हरियाणा के घनौर भोड़वाल माजरी में 28 से 30 अक्टूबर तक चलने वाले 76वें निरंकारी संत समागम को लेकर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध की समीक्षा के लिए एएसपी मयंक मिश्रा द्वारा अधिकारियों की बैठक की गई, जिसमें एसडीएम गनोरमल नागर व एएसपी गनोर के साथ साथ पानीपत के एएसपी नरेंद्र कादियान और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि समागम में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यातायात व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए भी विशेष प्रबंध जो है वो किए गए हैं। समागम के लिए सुरक्षा के विशेष सारे इंतजाम किए गए हैं, जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं, ऑर्गेनाइजिंग टीम है, उनके साथ हम लगातार टॉक्स में भी हैं और जितने भी पूरी पैरामीटर है, जो पूरा एरिया है और जी टी रोड का ट्रैफिक है, सबसे की व्यवस्था के लिए हमने पूरा इंतजाम कर रखे हैं। फोर्स और ऑफिसर्स भी बाहर से बुलाए गए, तो तैयारियाँ पूरी। कितने श्रद्धालु आने की इसकी कोई इंतजाम भी है? श्रद्धालु आने की संभावना तो वैसे लाखों में बता रहे हैं, जैसे कि 6 से 8 लाख लोग आने की संभावना है अगले 3 दिनों में। और स्टेशन में से और जीटी रोड से आने के जो दोनों रास्ते हैं, सारे सिक्योर्ड हैं और सारे वेल मैनेज्ड हैं। और जितने भी श्रद्धालुओं का मूवमेंट है, उनके लिए जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उनके लिए अगर कुछ उनका खो जाता है या कुछ उनको मिलता है या उन्हें कुछ चीज़ रिपोर्ट करनी है, उसके लिए भी बूथ्स बना दिए गए हैं हर ग्राउंड में। एमरजेंसी के लिए खास इंतजाम है? हाँ बिल्कुल, एमरजेंसी प्लान है रेडी है।